आज कर लेते हैं होंडा शाइन की सिलेंडर किट की अनबॉक्सिंग। तो आप एक चीज़ मैं आपको खोल के दिखाऊंगा और इसके अंदर दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है, कंपनी क्या क्या साथ देती है। सबसे पहले आ गई पैकिंग किट होंडा की जेन्युइन हेड की और सिलेंडर की, और ये वाइट डिब्बी के अंदर अभी देखते हैं क्या है और भी निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर छोटी डिब्बी के अंदर पिस्टन, इसके अंदर से पिस्टन निकला है और इसके नीचे भी कुछ है, हम देख लेते हैं। इसके अंदर है दो इसकी भोगलियाँ, गजन पिन, दो लोक और इसकी गजन पिन, ये भी सारी कंपनी ने अलग नया दिया। तो इसके अंदर भी देख लेते हैं वाइट डब्बी में क्या है। तो खोल के इसके अंदर मेरे हिसाब से रिंगे होनी चाहिए, ऑयल रिंग, और ये हाँ इसमें पांच रिंगे हैं, ऑयल रिंग है, छोटी रिंगे हैं और ऊपर टॉप वाली, टोटल ये पाँच रिंगे हैं। तो इसको साइड में भी रख लेते हैं और पिस्टन भी निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर जो नया सिलेंडर किट जब आती है तो इसके अंदर स्टैंडर्ड का पिस्टन होता है नॉर्मल, जो गाड़ी के साथ नया लग के आता है, तो इसे भी अलग कर लेते हैं। तो अब चलते हैं सिलेंडर किट की ओर कि सिलेंडर किट कहाँ है इसकी मेन। तो सिलेंडर किट अलग इन्होंने दोबारा एक नया बॉक्स है तो उसको भी खोल लेते हैं। तो भाई ये देखो, ये नई सिलेंडर किट है जो कि पड़ी है मुझे 3200 रुपये की, होंडा की। मैं कंपनी से ही लाया था गाड़ी में डालने के लिए, क्योंकि पिस्टन जब डालते हैं हम तो नया पिस्टन 25 नंबर का आता है, इससे बड़ा पिस्टन होता है, उसमें थोड़ा बहुत स्लो चलानी पड़ती है 500 किलोमीटर। तो ये देखिए भाई, ये नई सिलेंडर किट आ गई है जो कि गाड़ी के अंदर डलेगी, इसके अंदर पिस्टन हमें बोर नहीं करवाना पड़ेगा। अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई रोज़ मैं नई से नई चीज़ खोलता हूँ। ओके।